वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू नाउ ईवीएस? ओके, सो टेक आउट योर ईवीएस टेक्स्ट बुक। हाँ, ईवीएस की टेक्स्ट बुक निकालो फास्ट। ओके, सो सी, देखो हम लोगों ने लास्ट पीरियड में क्या कंप्लीट किया था। लास्ट पीरियड में हम लोगों ने पेज नंबर 31 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, है ना। सो कौन सा लेसन था वो? लेसन नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, लिविंग इन अ फैमिली। हाँ, ये लेसन हम लोगों ने ख़त्म किया था लास्ट पीरियड में। नाउ टुडे आप लोगों ने उसकी एक्टिविटी की थी क्या? मैंने आपको फ़ोटो स्टिक करने के बोले थे कि आप लोगों ने वो एक्टिविटी कंप्लीट। हाँ, सो अगर नहीं की है तो कर लेना है जिनकी बची हुई है उन्होंने। ओके, नाउ टुडे देखो पेज नंबर अब निकालो आप लोग 32। चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 32। अंडरस्टैंड? सो सी माई डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10, कौन सा लेसन है? क्या है लेसन का नाम? वर्क एंड फन इन द फैमिली। ठीक है, लेसन का नेम क्या है हमारे? वर्क एंड फन इन द फैमिली। ओके, देखो फिर वर्क मीन्स क्या? काम। वर्क एंड फन, फन मीन्स क्या? हम लोग जो मजा करते हैं, जो मस्ती करते हैं हम लोग, वो है फन। ओके, एंड फैमिली, इन द फैमिली मीन्स हम जो फैमिली में काम भी करते हैं, साथ साथ मस्ती भी करते हैं, मजा भी करते हैं ना, लड़ते भी है, झगड़ते भी है, सब करते हैं हम लोग हमारे फैमिली में। ओके, सो अभी देखो हमें इसमें क्या क्या बोला है। सो सी, पहले मैं रीड करती हूँ, आप लोग अच्छे से सुनो। हाँ, कौन से वर्ड को मैं क्या बोल रही हूँ, उसको कैसे उच्चार रही हूँ, हाँ तो वो सुनो अच्छे से, एंड देन हम लोग उसे अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, पहले मैं पूरा लेसन रीड करती हूँ। लेसन में ओनली वन पेज, पेज नंबर 32 पहले पूरा रीड करती हूँ, उसके बाद लाइन वाइज आपको समझाती हूँ। समझ में आया? सो देखो फिर, पेरेंट्स लव प्रोटेक्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ अस। पेरेंट्स लव एंड प्रोटेक्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ अस। फादर वर्क्स एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। फादर वर्क्स एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। मदर एंड फादर टेक केयर ऑफ द हाउस। मदर एंड फादर टेक केयर ऑफ द हाउस। मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली। मदर कुक्स एस है, मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली। फादर हेल्प्स मदर टू कीप द हाउस नीट एंड क्लीन। फादर हेल्प्स मदर टू कीप द हाउस नीट एंड क्लीन। सम मदर्स ऑल्सो गो टू द वर्क एंड अर्न मनी। सम मदर ऑल्सो गो टू द वर्क एंड अर्न मनी। Parents give us a home to live in, good food to eat, clothes to wear, toys to play with,
वी शुड शेयर आवर टॉयज विथ अदर चिल्ड्रन. वी शुड शेयर आवर टॉयज विथ अदर चिल्ड्रन. ओके, दिस इज पेज नंबर 32. लेसन का फर्स्ट पेज है. देखो, अभी मैंने रीड किया, आप लोगों को कुछ समझा क्या इसमें से? आपको पेरेंट्स पता है, मदर पता है, फादर पता है ना? सब आप लोगों को समझ में, मीन्स वर्ड्स जो है आपके लिए न्यू नहीं है इसमें, है ना? फादर, मदर, वर्क, मनी. ओके, सो सारे वर्ड्स आपके जाने पहचाने हैं. नाउ देखो, अभी फर्स्ट लाइन में क्या बोला है हमें, देखो. हमारे जो पेरेंट्स हैं, मीन्स मम्मी और पापा, पेरेंट्स मीन्स मम्मी और पापा, हाँ. सो पेरेंट्स लव, हमें वो प्यार करते हैं, मम्मी पापा. यस, करते हैं ना. यस. प्रोटेक्ट मीन्स हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारा बचाव करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं हमारे मम्मी पापा, है ना? हम लोगों को सुरक्षित रखते हैं वो लोग, प्रोटेक्ट करते हैं हमें किस हर कोई बुरी चीज़ से, हर किसी बुरी परिस्थिति से हमें वो बचाते हैं हमारे जो मम्मी पापा है ना. हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, उनके लिए हम लोग छोटे ही हैं. वो हमें हर सिचुएशन से, बुरी रहो चाहे अच्छी रहो, हमारे लिए जो चीज़ नुकसान करती है, हमारे लिए जो चीज़ अच्छी नहीं है, वो हमारे मम्मी पापा हमें कभी नहीं करने देते. हमें टोकते हैं वो लोग. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे को इससे तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारा बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए. कोई भी मम्मी पापा रहो, और कितने भी गरीब रहो या कितने भी अमीर रहो, उससे कोई लेना देना नहीं. उनको मम्मी पापा बोला मीन्स अपने बच्चों के लिए वो पूरा डिवोट करते हैं. देखो, हम लोगों को गुस्सा आता है, आप लोगों को अगर मम्मी ने बोला कि ये तेरा हाथ लाओ नको, ये तैसे करो नको, हाँ, तो आप लोगों को गुस्सा आता है. आप लोग जानबूझकर वो चीज़ करते हैं, मम्मी ने नहीं क्यों बोला, अभी तो मैं करूँगा, अभी तो मैं करूँगी. जो चीज़ मम्मी ने नहीं बोली वो मैं करूँगी या करूँगा. जो पापा ने नहीं बोला, जहाँ जाने के लिए उन्होंने नहीं बोला, वहाँ तो मुझे जाना ही है. ऐसे आप लोगों, हम लोगों के माइंड में होता है वो, है ना? जो बच्चे होते हैं ना, अभी आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोगों को मम्मी ने बोला ऐसा ना को करूँ, तैसा ना को करूँ, इकड़े ना को जाऊँ, तिकड़े ना को जाऊँ. पापा भी हम लोगों को बोलते बेटा वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ये बैड मैनर्स है. ऐसे करते हैं क्या हम लोग? आप लोग सुनते हो क्या उनका? नहीं. आप लोगों को मन में क्या होता है कि भाई इन्होंने नहीं क्यों बोला, अभी वहाँ जाके तो मुझे देखना ही है. त्यांनी मला नाही सांगितलं ना तिकडे जायला, मी नक्की जाऊन पाहेल, त्यांचे चोरून जाईल मी, पण तिकडे जाऊन बघेल की तिथे काय आहे, का त्यांनी नाही म्हटलं. पर ऐसा करना चाहिए कि बेटा, हाँ, आप सभी को बता रही हूँ मैं, हाँ, जो चीज़ आपके मम्मी और पापा आपको करने के लिए नहीं बोलते ना, वो चीज़ करना ही नहीं है. आप लोग उसके पीछे का रीज़न मत ढूंढो, त्याच्या मागचं कारण शोधू नका तुम्ही. कारण का? आपको आपके मम्मी पापा पे इतना विश्वास होना चाहिए कि भाई मेरे मम्मी पापा मेरे लिए गलत कर ही नहीं सकते कुछ, वो मेरे भले का ही है. मेरे लिए अच्छा है कि मैं वहाँ ना जाऊँ, मेरे लिए अच्छा है कि मैं ये नहीं करूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे बोला है कि तू ये कर मत, तू पढ़ाई कर. क्यों वो पढ़ाई करने का बोलते हैं आप लोगों को? क्यों आपके मम्मी पापा का तुमचे आई वडील तुम्हाला म्हणतात कि अभ्यास कर बेटा, तू अभ्यास करशील तर मोठा होशील. और आप लोग जो है वो तो आपको बोलो ही मत पढ़ाई का, आप लोग सुनते नहीं हो उनका. क्यों नहीं सुनते हो आप लोग? हाँ, हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो हमें कभी कोई गलत राह पे नहीं लेके जाएंगे. वो उन्होंने बोला मीन्स वो हमारे लिए पूर्व दिशा होनी चाहिए. यस, हमारे मम्मी ने बोला ना तो डेफिनेटली वो सही है, वो करेक्ट है. कभी मेरी मम्मी मेरे लिए गलत नहीं सोचेंगी, मेरे पापा मेरे लिए गलत नहीं सोचेंगे. जो है वो मेरे लिए सही है और मुझे वही करना है. जे त्यांनी मला सांगितलं तेच मला करायचं आहे. ते मला कधीच चुकीचं सांगू शकत नाही. ये आपके दिमाग में फिट कर लो डियर स्टूडेंट्स, ये आप फिट कर लो अपने दिमाग में कि नहीं, मेरे मम्मा ने नहीं बोला है ना तो मैं वो नहीं करूँगा. मेरे मम्मा ने मुझे पढ़ाई करने के लिए बोला है ना, यस, आप लोग दो घंटे मत करो लेकिन एक घंटा तो मम्मी के लिए आप लोग शांति से बैठ के पढ़ाई करो. मम्मी को अच्छा लगेगा कि नहीं, चलो मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मेरा सुन रहे हैं, है ना? क्योंकि वो हमारे लिए ही करते हैं, जो भी करते हैं वो आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं वो लोग, है ना? सो आप लोगों को भलाई, आपकी भलाई उसी में है कि जो मम्मा और पापा बोल रहे हैं वो सुनो. आई वडील जे सांगतात ते ऐका,
ते कभी से तुम्हारा चुकी से सांगते नहीं है ना। सो आप लोगों के अच्छे के लिए ही हमारे मम्मी पापा जो है वो जो भी कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, है ना। सो जो उन्होंने बोला वो सुनना है आप लोगों को। वो आपको सब्जी खाने के लिए बोलते हैं, वो आपको पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, वो आपको बाहर आप खेलने गए तो बेटा सांभाड़ून खेल, इकड़े जाऊँ नको तिकड़े जाऊँ नको, क्यों बोलते हैं वो ऐसा? आपको लगना नहीं चाहिए, वो उनके पीछे का हेतु होता है उनके बोलने के, कि आप अगर गिर गए तो आपको लग जाएगी, आपका अगर हाथ पैर टूट गया तो आप लोगों को तकलीफ होगी, वो लोग तो आपको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, आप लोग गिर गए तो ले जाएंगे ना आपके मम्मी पापा आपको हॉस्पिटल में, लेकिन तकलीफ किसको होगी? आपको होगी, और आपकी तकलीफ उनसे नहीं देखी जाएगी। इसलिए वो आपको हमेशा टोकते हैं, बेटा ऐसा मत कर, बेटा वैसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, क्यों? उसके पीछे का रीज़न यही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे आपकी तकलीफ वो देख नहीं सकते हैं। इसीलिए आपके मम्मी पापा आपको हमेशा टोकते रहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। सो उनका सुनना चाहिए। अभी तक अगर आप लोग नहीं सुन रहे हैं तो आज से आप लोग डिसाइड कर लो, आपके मन में फिट कर लो, आपके दिमाग में फिट कर लो कि भाई मुझे मेरे मम्मी पापा का सुनना है, वो जो भी बोलेंगे वो मुझे सुनना है, वो मेरे लिए अच्छा है, वो मुझे कभी गलत बोलेंगे क्या? देखो पूरे वर्ल्ड में ना, ये बात मेरी आप लोग ध्यान में रखो अच्छे से, कि मम्मी पापा के अलावा तीसरा कोई भी इंसान अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। आप सिर्फ आपके मम्मी पापा ही ऐसे हैं ये पूरी दुनिया में कि जो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, कैसे भी सिचुएशन आ जाओ, और आपको कभी नुकसान नहीं होने देंगे। बाकी वर्ल्ड में, पूरे जग में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो आंखें बंद करके कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा करेगा। वो कब आपको धोखा देगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मम्मी पापा ही ऐसे हैं दोनों कि जो आप आंखें बंद करके उनके बोले हुए पे विश्वास करके आप लोग वो जो बोल रहे हैं वैसा करोगे तो आप लोग आगे ही जाओगे, आप कभी पीछे नहीं आओगे, आप लोग ऊंचाई पे जाओगे अगर मम्मी पापा का सुनोगे, है ना। सो इतना ज़्यादा प्यार वो हमारे हमसे करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। देन बोला है एंड टेक गुड केयर, हमारी केयर करते हैं वो, आप लोग काळजी करते हैं, है ना। ठंडी रही आता, ठंडी के मौसम में वो लोग हमें स्वेटर पहनाते, बेटा स्वेटर पहन के रख तू, बेटा टोपी पहन के रख, बेटा हैंड ग्लोव्स पहन ले, बेटा सॉक्स पहन ले, बाहर मत जा, क्यों बोलते हो ऐसा? हाँ तू बाहर जाएगा तो बीमार हो जाएगा, तू बाहर जाएगी तो बीमार हो जाएगी, क्यों बोलते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो हमारी केयर लेते हैं, उन्हें हमारी फिक्र होती है, वो हमारी केयर लेते हैं कि बेटा मेरे बेटे को ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी को ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सो वो हमारी केयर लेते हैं, इसीलिए वो हमें बार बार बोलते हैं जो भी मौसम रहा, बारिश में आप लोग बाहर निकल, बेटा गीला मत हो, बेटा तुझे सर्दी हो जाएगी, वो हमारी इतनी केयर लेते हैं, है ना। सो देखो फिर, पेरेंट्स लव प्रोटेक्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ अस, अस मीन्स हमारे सबके पेरेंट्स जो है, मेरे भी मम्मी पापा, आप लोगों के भी मम्मी पापा, हमारे सबके पेरेंट्स हमारी केयर लेते हैं, हाँ। देन देखो फिर, फादर जो है हमारे, फादर वर्क्स एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। देखो हमारे जो पापा हैं, वो वर्क करते, वो काम करते हैं हमारे लिए, घर में पैसा पापा लाते हैं ना, पैसा कमा के लाते हैं पापा। अगर पैसा नहीं रहा तो हम लोग कुछ खा पी पाएंगे क्या? आप लोगों को बुक्स मिल पाएगी क्या? आप लोगों को यूनिफॉर्म मिल पाएगा क्या? आप लोगों को खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मिल पाएगी क्या? अगर पापा ने काम नहीं किया, पापा अगर घर में ही रहे तो पैसे कहाँ से आएंगे? सो हमारे लिए हमारे पापा काम करते हैं, वर्क करते हैं दिन रात। देखो पापा सुबह जाते हैं तो शाम में घर आते हैं, दिन रात वो हमारे लिए काम करते हैं। कितना टेंशन होता है हमारे मम्मी पापा को, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो? क्यों कर रहे हैं वो? हमारे लिए कर रहे हैं कि भाई हमको जो चाहिए वो हमें मिलना चाहिए, जो हम लोगों को चाहिए वो हमारे पापा हमें दे सके, इसीलिए वो पैसा कमा के लाते हैं हमारे लिए घर में, कि भाई ताकि मेरी जो फैमिली है, पापा क्या सोच रहे हैं, मेरी जो फैमिली है वो हमेशा खुश रहना चाहिए, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। सो पापा क्या करते हैं फिर? वर्क करते हैं, काम करते हैं। आपके पापा कोई ऑफिस में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई खेत में जा रहा है। देखो खेत के काम तो कितने हार्ड होते हैं,
लेकिन फिर भी आपके पापा हार्ड वर्क करते हैं ना आप लोगों के लिए। सो पापा का और मम्मी का हमेशा सुनना है आपको। देखो आपकी कितनी केयर करते हैं पापा और मम्मी। सो देखो पापा जो है वो वर्क करते हैं एंड अर्न्स मनी। अर्न मनी मीन्स पैसे कमाना। हाँ, मनी मीन्स पैसे, अर्न मीन्स कमाना। सो पैसे कमा के लाते हैं हमारे फैमिली के लिए, फॉर द फैमिली। ओके, देन नेक्स्ट हमें बोला है मम्मी का पिक्चर दिया गया है। देखो फिर मदर एंड फादर टेक केयर ऑफ द हाउस। हमारे जो मम्मी पापा है वो हमारे घर की केयर करते हैं। क्या करते हैं? केयर करते हैं। क्या क्या करते हैं? फिर मम्मी जो है वो कुक्स फूड, मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली। मम्मी जो है उस, देखो आपकी मम्मी अगर बीमार भी रही ना और आपने बोला कि मम्मी मुझे भूख लग गई, तो आपकी मम्मी तुरंत उठ के आपको खाना बना के देती है या कुछ ना कुछ खाने को देती है। लेकिन आप लोग सोचते हो कि मम्मी के बारे में कि भाई मम्मी बीमार है, अभी मम्मी को तकलीफ़ नहीं देना है, मम्मी को उठाना नहीं है। आप लोग एक गिलास पानी ला के देते हो आपकी मम्मी को? अगर मम्मी बीमार है, मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है तो ला के देते हो क्या? लेकिन मम्मी को कितनी भी बीमार रही और अगर आपने बोला कि मुझे भूख लग गई, तो वो कुछ ना कुछ आपको ला के देंगे खाने के लिए। आपको भूखा नहीं रखेंगी आपकी मम्मी। ये अगर मार्क नहीं किया है आप लोगों ने तो अभी मार्क करो। देखो कि सच में हमारी मम्मी हमारे से कितना प्यार करती है, हमारी कितनी केयर लेती है हमारी मम्मी, है ना? सो ये जो मम्मी है हमारी, मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली। हमारी मम्मी जो है सुबह शाम हमारे लिए खाना बनाती है, अच्छा अच्छा खाना, जिसको जो चाहिए वो बना के दे रही है मम्मी। लेकिन मम्मी ने कभी खुद के लिए बनाया क्या कि भाई मम्मी बोल रही है अभी मुझे ये भाता है तो मैं ये बनाऊंगी सब्जी, बाकी कोका मुझे कुछ लेना देना नहीं, ऐसा कभी बोला है आपकी मम्मी ने? नेवर। कोई मम्मी ऐसा बोल ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि जो आपको भाता है वही वो भी खा लेती है, उसे उसकी चॉइस नहीं। आप लोगों ने अच्छा खाना खाना चाहिए, आप लोगों ने अच्छा खाना खा के अच्छा हेल्दी बनना चाहिए, ये आपकी मम्मी चाहती है। अंडरस्टैंड? सो कभी आपकी मम्मी आपका ने अगर जो बोला वही बनाएंगी, खुद के पसंद का बनाएंगी क्या? नहीं। सो घर में पापा अलग सब्जी बोलते हैं, मम्मी अलग सब्जी, मम्मी नहीं सॉरी पापा, आप लोग जो है दादा दादी जो है, किसी किसी के घर होता है कि भाई सबके पसंद की सब्जियां बनाना पड़ती है, लेकिन आपकी मम्मी बनाती है। हाँ, सो मम्मी कुक्स, मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली। फादर हेल्प्स मदर टू कीप द हाउस नीट एंड क्लीन। देखो फिर आपके पापा जो है वो आपके मम्मी को हेल्प करते हैं घर को नीट और क्लीन रखने के लिए। कैसा रखने के लिए? नीट और क्लीन रखने के लिए पापा जो है वो मम्मा को हेल्प करते हैं आपके। ओके, देन सम मदर्स ऑल्सो गो टू द वर्क एंड अर्न मनी। देखो फिर कुछ कुछ जो मदर्स होती है ना, कहाँ कहाँ होता है, देखो आपके भी घर में खेत में आपके मम्मी पापा दोनों जाते हैं, दोघं शेतात जातात आई वडील। तुम्ही आजीजवळ घरी राहता किंवा मोठ्या भाऊ बहिणीजवळ घरी राहता, पण तुमचे जे आई वडील आहेत ना ते दोन्ही जातात। क्यों जाते वो? कि मम्मी भी पैसा कमा के लाना है घर में, और जितना ज़्यादा पैसा घर में आएगा उतना आप लोग अच्छे रहोगे, आप लोगों को सारी सुविधाएं दे पाएंगे आपके मम्मी पापा। इसीलिए कुछ कुछ मम्मीज भी वर्क करने के लिए जाती है और पैसे कमा के लाती है। ओके, पेरेंट्स गिव अस, अभी हमारे ये जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे मम्मी पापा, ये हम लोगों को क्या क्या देते हैं? देखो, अ होम टू लिव इन, हमें घर देते हैं वो रहने के लिए, अच्छा सा घर देते हैं। देन गुड फूड टू ईट, खाने के लिए अच्छे अच्छे फ्रेश फूड देते हैं हम लोग को। देन क्लोथ्स टू वियर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए हमारे लिए लाते हैं वो। ये जो कमा रहे हैं वो उससे क्या क्या दे रहे हैं हम लोगों को? देखो, घर दे रहे हैं अच्छे से रहने के लिए, देन खाने के लिए गुड फूड दे रहे हैं, उसके बाद पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े दे रहे हैं हम लोगों को, और हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए टॉयज ला रहे हैं। क्या ला रहे? खिलौने, जो आपने मांगा, मम्मा मुझे ये कार अच्छी लगी, यस ले बेटा, फट फट से मम्मी पैसे निकाल के देती है आपको, देती है ना? सो टॉयज टू प्ले विथ, आप लोगों को खेलने के लिए टॉयज दे रही है। और अभी नीचे जो बोला है वो जो ब्लू लाइन है उसमें बताया गया है वी शुड शेयर अवर टॉयज विथ अदर चिल्ड्रन। हम लोगों को भी क्या करना है, हमारे घर में अगर हमारे कोई कज़िन है या हमारे छोटे भाई बहन है, उनके साथ हमें हमारे जो खिलौने हैं वो शेयर करना है, उन्हें देना है हम लोगों को। लड़ना है क्या? नहीं। लड़ना है क्या? नहीं। सो ये जो है यहाँ फर्स्ट हमारा
पेज यहाँ ख़त्म होता है और उसी के साथ साथ हमारा टाइम भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट पेज देखेंगे। अंडरस्टैंड? सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।